हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? और चलो, कल रात में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th का पहला टॉपिक द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने सोचा फिर 12th वाले बच्चे क्यों पीछे रहे, तो आज 12th की पहले वीडियो को लेकर के मैं आ गया हूँ। तो पहला चैप्टर है द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो आज हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, और अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोज़ में हम ये 11th का, 100 वीडियोस में 12th का पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो आप ये मान के चलिए आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो या नीट की प्रिपरेशन हो, चूँकि नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम बताते हैं कि ये आपके एनसीईआरटी के ही एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। तो आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और नीट में भी बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। चलो देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। तो सबसे पहली बात जो कर रहा है, सबसे पहली बात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में की गई है, लाइफ स्पैन के बारे में की गई है। लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब है, एनसीईआरटी लिखती है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का के बीच का समय, मतलब टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। मतलब किसी के अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे मतलब एक्सीडेंट वगैरह से, नहीं वो नहीं, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। अब एक और बात इसके, ये जो है ये लाइफ स्पैन की प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपको पहले पेज जो एनसीईआरटी का इस चैप्टर का पहला पेज है उसमें से आप ये चीज़, खाली यही एक बात इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और लाइन नीचे लिख रहा है, इसके बाद जो नीचे लाइन लिख रहा है वो लाइन लिख रहा है कि लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन साइज के थ्रू, साइज से रिलेट नहीं करती, कोई रिलेशन नहीं है, साइज से कोई रिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन का। क्यों? आइए देखते हैं। ये आपका पैरट है, ये आपका क्रो है। पैरट और क्रो दोनों की साइज लगभग बराबर है, जान के आपको हैरानी होगी। पैरट 140 साल जीता है, पैरट की जो लाइफ स्पैन है वो 140 साल है, और वहीं क्रो की जो लाइफ स्पैन है वो 15 साल है। एक और देखते हैं, जो आम का पेड़ है और जो पीपल का पेड़ है, दोनों के दे सिमिलरिटी सेम है, साइज सेम है, शेप सेम है, सब लगभग बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी आम का पेड़ बनियान के पेड़ के, मतलब बनियान के पेड़ और पीपल के पेड़ के की अपेक्षा 10 गुना कम जीता है। तो ये भैया साइज से लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं है, पहले जान लो। ठीक, चलो अब दूसरी बात एक पढ़ते हैं। दूसरा एक और पॉइंट लिखा है कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। जी भैया, ये बड़ा कठोर सत्य लिख दिए एनसीईआरटी यहां पर, कोई भी चीज, कोई भी जीव अमर नहीं है इस दुनिया में। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है, लेकिन कौन है इमोर्टल है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा पैरामीशियम बाइनरी फिजन करते हैं, जो पुराना वाला अमीबा था उसी के जेनेटिकली सेम बंदे ही नीचे मिल जा रहे हैं, और जेनेटिकल अभी आगे पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं कि वो कभी ऐसा नहीं कि पुराना वाला ख़त्म हो गया, नहीं, वो किसी एक के उसमें संतान में है उनकी। अब चलिए लाइफ अगले पेज में एनसीईआरटी लाइफ स्पैन की बात करती है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 इयर्स, रोज़ का 5 to 7 इयर्स। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। डॉग लगभग 18 से 20 साल जीता है। बटरफ्लाई एक दो वीक। इसके बाद टर्टॉइस की बात है तो 100 से 150 साल। कौवा 15 भी बताया। पैरट 140 साल। बनाना 25 ईयर्स। बनाना के ट्री की बात हो रही है, मतलब जो राइजोम होता है, वैसे तो वेजिटेटिवली और भी ग्रो करता रहता है। 25 साल मोर और लेस जीता है। कौवा 20-25 साल जीती है। बनियान ट्री 200 साल। आज भी मतलब ऐसा बताते हैं 1857 की क्रांति की में जिन लोगों ने मतलब शहीदी दी थी उनके स्मारक कोलकाता में बनाए हुए हैं, और वो बनियान ट्री मतलब तब का पुराना, उतना पुराना है। राइस प्लांट 4 महीने, जून जुलाई के आसपास बोते हैं, दिवाली में काट लेते हैं, तभी तो लैया खिलौना गट्टा खाते हैं उन लोग। चलिए फ्रूट फ्लाई 2 वीक, दो हफ्ते।
और 60 साल क्रोकोडाइल, 60 साल ह्यूमन का भी ऐसे 70-72 साल ही होता है, ठीक। कभी पूछ ले तो बता देना। लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक। इतने ये चीज़ें आप ये सामने हो गई, ये पहला लाइफ स्पैन वाले टॉपिक से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अगली बात रिप्रोडक्शन की गई है, अब बात कर रहा है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, कल 11th क्लास में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। पर आप भैया, आप 11th क्लास का क्यों देखोगे, आप तो 12th के हो, है ना भैया, सीनियर लोग। चलो, एबिलिटी और प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक, ये ऐसे लिखते हैं, ऑफ देयर ओन टाइप, मतलब अपनी तरह की संतान उत्पत्ति की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। ओन टाइप, अपनी तरह की यंग वन संतान उत्पत्ति की क्षमता या प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। हिंदी भी बता दी, इंग्लिश भी बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये किस किन 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 बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म जैसे होता है तो उसके लाइफ में कितने फेज होते हैं, तीन, तीन की साइकिल हमेशा चलती रहती है। बर्थ, फिर रिप्रोड्यूस किया और फिर डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेन उद्देश्य है इस जीवन पे आने का, इस धरती पे आने का, वो रिप्रोडक्शन है, इवोल्यूशन ही हमको बताता है। पैदा हुआ, फिर खुद बच्चा पैदा किया, फिर उसके बाद मर गया, ठीक। ये साइकिल चलती रहती है। और फिर आत्मा तो अमर अमर अजर अमर है ही है, तो वो फिर से किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मेन दो बातें एनसीईआरटी लिखती है जिन बातों पर निर्भर करता है, और तीसरे कुछ और ऐसे लिख देती है कि सेवरल फैक्टर्स और हैं। तो जो पहले बात है वो है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात है इंटरनल फिजियोलॉजी। और इसके अलावा और भी सेवरल फैक्टर्स हैं। हैबिटेट, भैया जहां पे रह रहा है वहीं पर तो रिप्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात है, कोई डिफिकल्टी है इसमें, हैं? मछली है, बच्चा पैदा करने जमीन पे आएगी? नहीं, पानी में ही करेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। इंटरनल फिजियोलॉजी, एल्गी हैं, ठीक, एल्गी हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर रही हैं। अब उनमें इस अब उनमें जो गैमिट्स बन रहे हैं, अब इतना चूंकि डेवलप नहीं है तो वो प्लस स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम टाइप के बन रहे हैं, तो उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी उस टाइप की है, तो वो वैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन की तरह स्पर्म और ओवम नहीं बनाएंगे, है ना। सेवरल अदर फैक्टर्स हैं, अब उनके बारे में बात क्या ही करें, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये बातें बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें मतलब रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। अब इसके बाद और पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में ये बता रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो पहले एसेक्सुअल की बात लिखती है एनसीईआरटी की लाइन है, भैया हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख रखी है, आपको एज इट इज समझनी पड़ेगी, भले गलत है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमीट,
विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट थ्रू अ सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है. प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट, भैया ऑप्शन में आ सकता है जब आप नीट दे रहे होंगे, ध्यान से सुनो. विद और विदाउट, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट थ्रू अ सिंगल पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज फॉलोड बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट. अच्छा, पेयर ऑफ पेरेंट्स होंगे, पेयर होगा, दो पेरेंट होंगे, फ्यूजन होगा भैया गैमेट्स का, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फॉर्मेशन भी होगा फ्यूजन भी होगा, तब कौन सा है? ये है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसके बाद पहला पॉइंट दे रहा है एनसीईआरटी, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है एनसीईआरटी, तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात फटाक से कर लेते हैं. ठीक. स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया था ना? हाँ भैया ले लिया करो, अब हम हटेंगे उठेंगे नहीं, टाइम हमारे पास कम रहता है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं. हैं, चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सिंगल पेरेंट, अब एनसीईआरटी ये लाइन लिख रही है. ऑर्गेनिज्म थ्रू सिंगल पेरेंट. ठीक. प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू सिंगल पेरेंट. ठीक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं क्लोन क्या होता है. अच्छा, इसकी और एक बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो नहीं करती. अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो नहीं करती मतलब क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो नहीं करती मतलब जैसा पेरेंट था वैसा ही बच्चा होगा, सेम एग्जैक्ट कॉपी. ठीक. और ये बच्चे जो होंगे ये आपस में भी एग्जैक्ट कॉपी होंगे. ये बच्चा पहला था, ये बच्चा दूसरा है, और ये आपस में भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी ही होंगे. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात आ रही है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है. आगे बात करेंगे, चलो देखते हैं. अब जो एग्जैक्ट कॉपी बने इनको कहते क्या है? क्लोन बोलते हैं भैया, क्लोन. जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्लोन. ठीक. क्लोन क्या हो गया? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं उनको हम क्लोन कहते हैं. ठीक. समझ में आ गई, सिंपल बात थी, कोई बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं है. जेनेटिकली का मतलब है जिनका जेनेटिक मेकअप सेम हो, मतलब जो अंदर डीएनए है वो सेम हो. मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है बाहर से दिखने में सेम हो. मॉर्फोलॉजी जहाँ भी शब्द आता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखने में कौन कैसा है, नाक टेढ़ी है मुँह सीधा है,
वो वाली बात जो है वो मॉर्फोलॉजी बताती है। जेनेटिकली का मतलब है, जेनेटिकल का मतलब है उनका जेनेटिक मेकअप, उनके अंदर जो डीएनए है, उनके अंदर जो जीन्स है, ठीक, वो जीन्स भी सेम होंगे, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन परफॉर्म करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी बात करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्लांट्स, एंड एनिमल्स, ठीक, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप हैं, तो बता रहा है कि मोनेरा, मोनेरा में कौन आते हैं, इलेवेंथ क्लास पढ़ा होता तो पता होता, कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं ये भी ये डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाइनरी फिशन से, फिशन से, फिशन एक शब्द है इंग्लिश का जिसका मतलब है टूटना, बाइनरी का मतलब है दो में, जब एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो बन जाए तो वो बाइनरी फिशन है। अमीबा शो करता है, अमीबा किस में आएगा, प्रोटिस्ट में आएगा। पैरामीशियम शो करता है, पैरामीशियम शो करता है, अमीबा शो करता है, किस में आएंगे, प्रोटिस्ट में आएंगे। मोनेरन्स हमेशा बाइनरी फिशन शो करते हैं, मोनेरन्स कौन से है? जैसे बैक्टीरिया, ठीक ठीक, समझ गए, सिंपल था, कठिन था, नहीं था, चलो आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात आती है बडिंग की, ये हमने बाइनरी फिशन पढ़ लिया, बाइनरी फिशन हो गया ना आपके सामने, अब बात आती है किसकी, बडिंग की। यीस्ट जो है बडिंग से न्यू वंस प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एक यीस्ट था, इसका ये न्यूक्लियस था, इसने देखा अनफेवरेबल कंडीशन आ रही, इसने देखा कि फेवरेबल कंडीशन है, तो इसने क्या किया, एक ठो बड निकाल ली ऊपर। अब ये जो बड निकाली और ये जो वो था, अब थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ये बड अलग कर देगा अपने शरीर से और ये अपना अलग हो गया। अब ये बड अलग ग्रो कर जाएगी, ये यीस्ट तो था ही था, तो इसके इस ये जो है ये एसेक्सुअली ये नया यीस्ट बन जाएगा, ठीक। अब जब ये नया यीस्ट बन जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, ठीक। यीस्ट शो करता है, हाइड्रा शो करता है, इधर दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को, हम जान रहे हैं, ठीक। यीस्ट शो कर रहा है, हाइड्रा शो कर रहा है बडिंग। अब और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं और, देखते हैं और, देखते हैं फटाक से, देखते हैं। अब एनसीईआरटी जो बात लिखती है उस बात को आगे बताएंगे। अब अमीबा के बारे में एक बात लिख रही है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, ऐसे बता देते हैं, पढ़ लेना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो अमीबा अपने ऊपर, ये अमीबा है, ये अमीबा है, सबसे पहले क्या करेगा, ये अमीबा है, ठीक, सबसे पहले क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया जो हैं इनको निकाल के फेंक देगा, सबसे पहले अपने स्यूडोपोडिया हटा देगा, स्यूडोपोडिया हटा दिए, ठीक। अमीबा ने जैसे देखा कि अनफेवरेबल कंडीशन आई है, अपने स्यूडोपोडिया हटा दिए, ऊपर से तीन लेयर की कवरिंग बना लेगा, एक दो और तीन, तीन लेयर की कवरिंग बना ली। अब ये जो तीन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये तीन लेयर की कवरिंग बनाने को, इसको कहते हैं इंसिस्टेशन, क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन, ठीक, इसको कहते हैं इंसिस्टेशन, ठीक। अब ये इसने इंसिस्टेशन कर लिया, ये हमें पता है इसका न्यूक्लियस है, ठीक, इसने ये इंसिस्टेशन कर लिया। अब जब फेवरेबल, अब अंदर मल्टीपली फिजन कर रहा, अंदर मल्टीपल फिजन कर रहा, अब जब फेवरेबल कंडीशन आई तो कई सारे अमीबा जो अंदर बन गए थे स्पोर्स के फॉर्म में बाहर निकल आए, ये फूट गया, ये यहाँ से टूट गया और ये बाहर निकल आए, और ये बाहर निकल के कई सारे नए अमीबा बना दिए, ठीक।
तो ये जो हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब यहां पे ये हमने बना रखा है, तुम लोग देखना चाह देख रहे होगे, ये मैं बता रहा हूँ इसमें कौन किससे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप हैं। तो ये भैया जो है ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास, जूस पोर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये जो है ये जूस पोर एंजियम है। ये पेनिसिलियम, ये कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भैया वो हैं, ये बडिंग कर रहे हैं, देखिए ये बड आप दिखाई पड़ रही होगी, अब ये अलग कर देगा इससे। ये हाइड्रा, हाइड्रा किससे कर रहा है, बडिंग से। ये स्पंज, स्पंज आपने पढ़ा होगा, स्पंजेस पोरीफेरा में आते हैं, हाँ वही। ये इसकी आर्चियोसाइट सेल्स हैं, ये देखिए वाटर कैनाल सिस्टम, सिंपल वाला स्पंज है। इसने ये जेम्यूल बनाए और ये जेम्यूल से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, और आज जो इतना पढ़ाया है इसको रिवाइज करके रखना।